Hey guys, what's up? Hope you all doing fine. Welcome back to my channel. तो यार आप लोगों ने मेरे first video को काफ़ी प्यार दिया था, उसके लिए दिल से thank you. और काफ़ी comments भी आई थी कि हम frontend development में कितना time दें, HTML, CSS, JavaScript, React में, फिर हमें HTML, CSS सिर्फ job मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम रोज़ के कितने घंटे दें जिससे हमें job मिल पाएगी, और JavaScript, React सीखने के लिए कौन सा सही अप्रोच है. तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको कितना टाइम देना चाहिए HTML, CSS, JavaScript, React में, और आप उस टाइम को कैसे फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो और कैसे सही अप्रोच के साथ सीख सकते हो वो भी बताऊंगा. तो वीडियो को एंड तक तो जरूर देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड. तो देखो, आपको रोज़ के कितने घंटे देने सीखने के लिए वो मैं नहीं बताऊंगा. क्योंकि देखो यार, सबकी लाइफ अलग रहती है, ठीक है. किसी को ज़्यादा टाइम मिलता है लर्निंग के लिए, किसी को कम टाइम मिलता है. तो मैं आपको वीक के हिसाब से बताऊंगा कि इतने वीक में आपको ये करना है, तो उतने वीक में आप अपने हिसाब से सेट करके सीख सकते हो. बट हाँ, याद रखना कि उतने वीक के टाइम में आपका जो टारगेट है वो ख़त्म हो जाना चाहिए. तो चलो पहले HTML से स्टार्ट करते हैं. तो आपको HTML में एक वीक देना है. जिसने HTML अच्छे से कर लिया होगा वो सोचेंगे कि यार एक वीक इतना ज़्यादा. बट देखो, मैं ना बेसिक से बताऊंगा, ठीक है. जिसने अभी तक HTML स्टार्ट नहीं किया या फिर अभी कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से एक वीक ये कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा. जिसने कर लिया है ऑलरेडी, तो वो तो वेल एंड गुड, वो डायरेक्ट CSS पे जम कर सकते हैं, ठीक है. बट जिसने नहीं किया, उसको ये एक वीक में क्या करना है मैं वो बता देता हूँ. और अगर आपने कर भी लिया है तो मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा उसमें से अगर आपने कुछ नहीं किया हो या फिर मिस हो गया हो तो आप उसे कर सकते हो. न्यू कॉन्सेप्ट्स तो आप सीखते रहोगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है. बट जो भी बेसिक्स रिक्वायर्ड है वो सब मैं बताऊंगा. तो फर्स्ट आपको करना है एनाटॉमी ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. इसमें क्या आएगा, डॉक टाइप, HTML एलिमेंट, हेड एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट, ये सब आपको अच्छे से समझ लेना कि इसका रोल क्या है. फिर आपको करना है एलिमेंट्स, HTML हेडिंग्स, HTML पैराग्राफ, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, HTML लिंक्स, HTML इमेजेस, HTML लिस्ट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, आई फ्रेम, सीमेंटिक एलिमेंट्स. देखो, सीमेंटिक एलिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो सारे सीमेंटिक एलिमेंट्स हैं वो आपको अच्छे से कर लेंगे. फिर HTML फॉर्म्स, HTML इनपुट एलिमेंट्स, HTML ऑडियो वीडियो, HTML टेबल्स. तो आप ये सारे टॉपिक्स दो या तीन प्रोजेक्ट्स के साथ ही करना. उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छे से बढ़ेगा, और जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहोगे तो आपको HTML में कम से कम टाइम देना होगा. और आई वुड सजेस्ट कि प्रोजेक्ट्स ऐसे चूज़ करना कि आगे जाके आप उसमें CSS और JavaScript भी डाल पाओ. आप एक ब्लॉग पेज बना सकते हो जिसमें आपके इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ्स, लिस्ट, वीडियो, आई फ्रेम, लिंक्स, ये सारे कवर हो जाएंगे. दूसरा, आप एक सर्वे फॉर्म भी बना सकते हो जिसमें आपके इनपुट एंड फॉर्म एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे. फिर आप एक अटेंडेंस सिस्टम टाइप भी बना सकते हो जिसमें HTML टेबल्स का यूज़ कर सकते हो. तो ये आपका मस्त हो गया HTML. तो नेक्स्ट हम आते हैं CSS पे. अभी मैं आपको बता दूँ कि CSS में आपको कौन से टॉपिक्स करने और कितना टाइम देना है. तो आपको CSS सिलेक्टर्स, बॉक्स मॉडल, फ्लेक्स बॉक्स, CSS ग्रिड, पोजीशन, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, CSS यूनिट्स, CSS ट्रांजिशन, CSS एनिमेशन, CSS इमेज, CSS बैकग्राउंड, बॉक्स साइजिंग, जेड इंडेक्स, स्पेसिफिसिटी, मीडिया क्वेरीज. तो आपको ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे कंसेप्ट वाइज, ठीक है. रटना नहीं है, बट समझना होगा कि आपको ये प्रॉपर्टीज कब यूज़ करनी है. और आपको CSS में 2 to 3 weeks का टाइम देना होगा. और CSS में ना सब कुछ करना नहीं है, क्योंकि CSS काफ़ी बड़ा है. सब कुछ करोगे तो CSS कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आप आगे JavaScript पर जा ही नहीं पाओगे. जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स करोगे वैसे वैसे आप CSS की नई प्रॉपर्टीज सीखते जाओगे. बट मैंने जो टॉपिक्स बताए वो बेसिक्स तो रिक्वायर्ड है. मैंने जो पहले HTML के प्रोजेक्ट्स बताए थे उसी में आप CSS डाल सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक क्लोन बना सकते हो जो भी आपको पसंद है. ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, OTT प्लेटफॉर्म बना सकते हो, नेटफ्लिक्स, या तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या तो फिर ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हो, जैसे बुक माई शो है. तो जो भी वेबसाइट आपको पसंद है उसका क्लोन बना सकते हो. उसमें क्या कर सकते हो, आप एक साइड ट्यूटोरियल ओपन कर लो और एक साइड अपना कोड एडिटर ओपन कर लो. तो आप साइड बाई साइड ट्यूटोरियल देखते देखते क्लोन बनाते जाओ. क्लोन बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक और एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें आप लैंडिंग पेज ढूंढ लो, उसको क्या करो, सेक्शंस में डिवाइड करो. जैसे हमने सीमेंटिक एलिमेंट्स में देखा था ना कौन सा एलिमेंट क्या डिफाइन करता है, तो वैसे ही लैंडिंग पेज में आप सेक्शंस डिवाइड करो. और फिर एक पहले तो पूरा HTML बना दो. HTML बनाने के बाद
एक एक सेक्शन का सी एस एस एड करते जाओ और ट्राई करना वो जो लैंडिंग पेज बनाओ वो रिस्पॉन्सिव हो, टैबलेट फोन या डेस्कटॉप उसमें अकॉर्डिंगली फिट होना चाहिए। तो उसके लिए आप सी एस एस मीडिया क्वेरीज पे ज्यादा ध्यान देना, इसमें आपको एक वीक भी देना पड़े तो भी ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चाहो तो बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप प्लेन सी एस एस ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का ट्राई करो, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स जब आप करोगे तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बूटस्ट्रैप यूज करना होगा, ठीक है। तो ये आपका मस्त हो गया सी एस एस। तो नेक्स्ट हम आते हैं जावास्क्रिप्ट। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट के बिना तो जॉब नहीं मिल सकती। अगर आपने जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको पैकेज भी काफी अच्छा मिल सकता है, पैसा ही पैसा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको जावास्क्रिप्ट पे देना है, नॉट थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली। आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे और अगर आपने एक बार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो आपको रिएक्ट भी काफी अच्छे से आ जाएगा और काफी जल्दी आ जाएगा। तो आपको जावास्क्रिप्ट में कम से कम 6 to 8 weeks देने होंगे। जावास्क्रिप्ट को आपको कैसे कर रहे हैं, आपको पहले बेसिक कंस्ट्रक्ट्स करने हैं, ठीक है। उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आ गया, रेफरेंस डेटा टाइप्स, लूप्स, ऑपरेटर्स, फिर डॉम मैनिपुलेशन, एजेक्स, फेच एपीआई, ES6 कंसेप्ट्स, ES7 कंसेप्ट्स, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज, इंडेक्स DB, और भी कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं। आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है वरना कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं करना है कि आपने सारे कंसेप्ट सीख लिए और फिर आपने प्रोजेक्ट बनाए। आप जैसे जैसे टॉपिक सीखते जाओ वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स बनाते जाओ, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाओगे वैसे वैसे आपका जावास्क्रिप्ट का नॉलेज स्ट्रांग होता जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट आप सही अप्रोच के साथ कैसे सीख सकते हो। पहले आप क्या करो कि बेसिक कंस्ट्रक्ट सीख लो, फिर डॉम मैनिपुलेशन सीख लो, ठीक है। फिर बेसिक कंस्ट्रक्ट्स प्लस डॉम मैनिपुलेशन के साथ आप कुछ छोटा प्रोजेक्ट बनाओ। लेट्स से कि आपने HTML CSS में कुछ बनाया, ठीक है। अभी आपको कुछ लगे कि कोई सेक्शन ऐसा है जो डायनामिकली आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प दिखा सकते हो, तो फिर उस सेक्शन में आप अपना जावास्क्रिप्ट लॉजिक डाल दो। फिर 2-3 प्रोजेक्ट्स बड़े बनाओ जिसमें आपने जो भी कुछ सीखा है वो सारे कंसेप्ट्स यूज हो रहे हो, प्लस एडिशनली हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट्स डालते रहना। और आई वुड सजेस्ट कि जावास्क्रिप्ट के साथ साथ ना आप जावास्क्रिप्ट के डेटा स्ट्रक्चर भी सीखते रहो, इससे आपका लॉजिक बिल्डिंग काफी अच्छा हो जाएगा। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक तो फ्री कोड कैंप हो गया, फिर हैकर रैंक हो गया। तो एटलीस्ट आप 2 months तो जावास्क्रिप्ट के लिए दो, उसके बाद आपको अगर लगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकते हो। बट मैंने जो टॉपिक्स बताए उतने तो आपको आने ही चाहिए, उसके बाद ही आप रिएक्ट पे जंप करो, ठीक है। डेफिनेटली इससे आपका जावास्क्रिप्ट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं रिएक्ट पे। तो रिएक्ट में आपको 4 to 6 weeks मिनिमम देने होंगे। अगर आपका JS फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया है तो आप रिएक्ट जल्दी सीख लोगे, वरना आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। पर रिएक्ट में आपको इन 4 to 6 weeks में किस पे फोकस करना है वो आपको बता देता हूँ। हाउ रिएक्ट एंड वर्चुअल डॉम वर्क्स, स्टेट एंड प्रॉप्स, फंक्शनल एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, हुक्स, कॉन्टेक्स्ट, रिडक्स, लाइफ साइकिल मेथड, प्रॉप ड्रिलिंग, रिएक्ट राउटिंग, तो ये सब आपको अच्छे से कर लेना है। तो इसके लिए भी आपको सेम अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे जिसमें रिएक्ट के सारे कंसेप्ट कवर हो। एटलीस्ट 3 या 4 प्रोजेक्ट्स तो बनाओ। आप चाहो तो अपना पोर्टफोलियो रिएक्ट में बना सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो एक क्लोन भी बना सकते हो, या तो अगर आपके पास कुछ भी अच्छे आइडियाज़ हो वो भी कर सकते हो, उससे भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। हर प्रोजेक्ट में कुछ नया नया ऐड करते जाओगे ना तो आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा और आपको सीखने को भी उतना मिलेगा। और रिएक्ट का जो लर्निंग कर्व है ना वो एंगुलर से काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ये भी मस्त आपका हो गया रिएक्ट। अभी आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको ये जर्नी में हेल्प कर पाए। फर्स्ट है कि कीप प्रैक्टिसिंग इन द राइट वे। अगर आप सही तरीके से सब कुछ सीखोगे ना तो आपको सब कुछ जरूर आएगा। और ऐसा मत करना कि मेरे को जॉब के लिए सब कुछ पढ़ना है, ऐसा करोगे ना तो आपको थोड़े टाइम तक ही इंटरेस्ट रहेगा, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो जो भी करो दिल से करना, अगर दिल से करोगे तो आप उसके डेप्थ में भी जरूर जाओगे। डोंट स्पेंड मच टाइम थियोरेटिकली बट डू इट प्रैक्टिकली। जितना आप चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे ना उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप थियोरी सिर्फ करते गए तो आपको कुछ 2-3 घंटे तक याद रहेगा, फिर आप भूल ही जाओगे। ऐसा कभी मत करना। Avoid yourself falling in tutorial hell. मैंने जो भी बताया कि ट्यूटोरियल देख के आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, बट ऐसा ना हो कि आप ट्यूटोरियल ही देखते रह गए, प्रोजेक्ट एक साइड रह गए। जब तक आप खुद से इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। To not stop learning, सीखना कभी मत छोड़ो। आपके लाइफ के हर एक स्टेप में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक दिन जरूर आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि जो भी मेहनत की है वो वेस्ट नहीं गई है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो या तो फिर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।